तरकीब ऐसा रहते हैं तो घर में झगड़ा करते हैं। अच्छा अब तू देख, आदिल को घर आने दे, आज ही मैं उनसे कहती हूँ कि तुम घर में झगड़ा नहीं करते, प्यार दिखाते हो, इसलिए जरूर बाहर कुछ ऐसा वैसा करते हो। मर्द जात तो है ही ना। हाँ बीबी, मर्द जात तो है। फिर क्या मालूम बाहर कुछ ऐसा वैसा भी करती हूँ। मुझे इतनी जिंदगी में कभी ये ख्याल ही नहीं आया।
मीरा से पूछो क्या कहा था फोन करके। यही कहा था तुम लोग चलो और हम आते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो तुम भी ठीक से नहीं पहुंची हो, बैठो आराम से। लो चाय बैठी होगी। अरे नहीं, दुआ शरबत लेने गए, गर्मी देखो बेतहाशा पड़ रही है। और सुना बात, आजम भाई का काम कैसा चल रहा? कैसा चल रहा है बहन, ये तो नहीं जान, मगर बहुत चल रहा है, इतना जरूर जान। देखो मीरा, अभी तक नहीं पहुंचे, अभी लखनऊ वालों इतना बड़ा शहर तो है नहीं, इसकी गलियों में भटकता है, हद करते हैं। तुम्हारा प्यार भी बड़ा निराला है, 2 मिनट सुल्तान भाई को आंखों से ओझल नहीं होने देती हो। अरे बाहर तुम्हारा जैसा गुड्डा कहाँ से लाया गया है, तुम अल्लाह जाने किस लिए कानों में तेल डाले बैठी रहती हो। तुम्हारा अपने मियां की अंधा भरोसा देख के हमारा तो कलेजा कांपता है। सच्ची बात है, हम तो अपने मियां के लिए वो रेलवे स्टेशन वाली वार्निंग क्या करते हैं। वो कौन सी वो वार्निंग नहीं देखी तुमने? चौकसी हटी और हादसा हुआ। सुन, आदेश से कही हो
कि मैं शाम को फिर आ जाऊंगा। जरूर आइएगा मिर्जा चाचा, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। अरे यक्को जी, मिर्जा चाचा, ये कमबख्त है या चल गया? खराब है, इसका मतलब सामान भी है। अच्छा अच्छा भाई बुढ़ा। अच्छा मिर्जा चाचा, आ जाओ। मिर्जा चाचा, रिश्ता सब तुम पीते जाते हैं। अरे शाम को आ रहा हूँ ना, पीने सब खूब पिलाइयो, जो दिन में आ वो पिलाइयो। क्या फिर तुम दोनों भी खड़े हो? हाँ भाई, अब चलो। बालो मेरे ख्याल में हम चले। सच्ची बात है, हमारे दिल को तो पंखे लग गए हैं। ऐसा करते हैं कि अब इनको ढूंढने जाते हैं, अगर कहीं मिल गया तो शाम में फिर चक्कर लगाएं। आना जरूर शाम। बालो जरूर, तुम भी आना। अच्छा आदित भाई को मेरा आदा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा बेगम नफीस के साथ।
असल में बात है, जिसका मर्दमा होता है जब तक उसके मामला तय में ना हो, बात बेगम नफीस बेवा हो गई। अब इस उम्र में जिंदगी का साथ ही बिछड़ जाए, यही क्या कम। ऊपर से उनके अजीज और रिश्तेदार चाहते हैं कि किलों की तरह नोच कर उनको दर बदर कर, मगर मैं ऐसा हो नहीं। एक वकील के नाते आपका फर्ज तो यही है, और एक इंसान के नाते। चलो अच्छा, बेगम नफीस को एक फीस में दो चीजें मिली, एक वकील और एक हमदर्द दोस्त। ये क्या कह रही थी आप, एक बीस में दो चीजें? मैं ये कहता हूं तुमने बिल्कुल ठीक बताया। नहीं, अरे भाई, इस हिसाब से तो मुझे उनसे डबल फीस लेनी चाहिए, डबल। या फिर क्योंकि अरे हम कोई फालतू है क्या? फालतू नहीं, हमदर्द दोस्त, और दोस्ती की कोई फीस थोड़ी ही होती है। अच्छा भाई, ऐसे करते हैं, बेगम नफीस का मुकदमा हम दोस्ती में फ्री बन क्या? मगर भाई, उनसे दोस्ती करने से पहले आप उनसे मिलकर दोस्ती के लिए अप्रूव तो कर दें। जमींदारी खत्म हो गई तो हाथी घोड़े भी खत्म हो गए, अब तो सवारी के लिए ये गधे भी नहीं मिलते। क्यों मिर्जा चाचा, ये गधे कहाँ चले गए? अरे बेटे, खबर सुन ली, पार्लियामेंट में चले गए। चक्को, अरे चक्को, अरे मिर्जा चाचा के लिए गरम गरम चाय लाओ, कोई नरम चीज है। नरम क्यों? मेरा मतलब है वो तू शुरू हो गया, मानो बेटी को समझा लो, देखो मुझे तो बुझा कर दिया है। इस उम्र में भी तेरे जैसे दो दो जवानों पर भारी हूँ। हाँ मिर्जा चाचा, रेल का सफर इतनी आराम का सफर होता है और आप परेशान हो गए। अब अभी बुढ़ापा नहीं तो और फिर तू नहीं बात आएगा। मिर्जा चाचा, आजकल तो थर्ड क्लास डिब्बे में भी आराम की हर चीज होती है, क्या नहीं होता? सही कह रहा हूँ, पर बस जगह ही नहीं होती। ये सही कहा मिर्जा चाचा, ये सही कहा। लो मिर्जा चाचा, एक गरम गरम चाय पी। मानो बेटी भाई, इधर आओ मेरे पास। अरे यार, बेटा आदिल जी, ये जो अपने देश में रेल का सफर होता है ना, जी जी, इसमें तीन बातें जरूर होती। क्या मिर्जा चाचा? भाई पहले तो होती है इसमें इंतजारी, जी जी, फिर होती है बेकरारी, जी, और फिर होती है शुरू रिश्तेदारी। वो कैसे मिल रहा है? वो ऐसे बेटी,
कि घंटा को घंटा तो गाड़ी लेट हो जाना मामूली बात है, तो उसकी हुई इंतजारी। अब एक बार गाड़ी आ जाए तो उसके अंदर घुसने की हुई बेकारी। बिल्कुल सही। अब किसी तरह से धक्का मुक्का मार के अगर आप अंदर घुस गए तो फिर शुरू हुई बेकार। अब आज की बात सुनो, मत बोलने में रुकता हुआ मत। बराबर की जीप पे आराम से बैठे हुए एक मुस्तंडे ने मुझसे पूछा, मिया चाचा कहाँ तक जाओगे? हम बोले लखनऊ। बोले लखनऊ में कहा? हम बोले नखास। तो बोले नखास? अरे नखास ही में तो मेरा पोता पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर पड़ा था, हाथ तोड़वा लिए। हम बोले हाथ मैं तोड़वा लिए? ठट से फूट के उसकी गोद में बैठ। कहानी शुरू हो गई रिश्तेदारी। जवानी में तो बड़ी आयश की आपने। भाई बड़े जिम्मेदार थे तो आयश भी बड़े थे, लेकिन एक बात तो बताइए मिर्जा चाचा, आपने शादी क्यों नहीं? हाँ मिर्जा चाचा, यहाँ तो लोग दूसरी दूसरी की सोच रहे हैं। आपने अब तक एक भी नहीं की। अरे बेटी अब क्या बताऊं, इसका क्या नाम है, इस उम्र में मैं किसी कुमारी से तो करने से रहा था। हाँ कोई एवा बेवा मिल जाए तो वो भी सकती है। तो एक बेवा जमीन जायदाद वाली है, मगर आपके भतीजे बुरा मान जाएंगे। भतीजे चाचा बानों को तो आप जानते ही हैं, कोई आज की बात थोड़ी है। ये तो हमेशा मजाक करती है। मजाक करती नहीं, हमेशा मजाक करती। भाई देखो नहीं मिलते कान बनाए। अरे ठाकुर हेलो जी पी रहे और रोंग करती थी उसकी मिठास में आप कुछ
कहीं लग गई है। नहीं मिर्जा चाचा, आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए और ना ही हमारी बातों की मिठास में कोई कमी है। बस शायद सोने का कसौटी पे चढ़ जाने का वक्त आ गया है। अच्छा भाई हम चले। अरे मिर्जा चाचा बैठे ना थोड़ी देर। नहीं बेटी हम चले, तुम आराम करो। मैं तो आराम ही कर रही हूँ, आराम की सिवा जिंदगी में मैंने किया ही है। इसका क्या नाम है आराम? बड़ी चीज है मुर्दार के सोइए। ये बुढ़ापे की निशानी। मेरे को ये तो बिल्कुल ही बुढ़ापे की निशानी। अरे नहीं छोड़ ना, मारे बिना नहीं छोड़। अरे मार बाप उठा कह देता है, सोचता है ना समझता है बाप उठा कह देता है। अच्छा भाई जाकर दोपहर मगात हो गया, तो बहुत जल्दी जा रहे हैं। आऊंगा भाई, फिर आऊंगा। खुदा खुदा रखता ये बात। अरे नहीं तकलीफ ना करो, मैं चला जाऊंगा। खुदा मिर्जा जी, खुदा। अब आप इस बात मिर्जा चाचा के सामने कैसी कैसी बातें कर रही? क्यों बुरी लगी वो बातें? अरे भाई कुछ कुछ बुरी भी लगी, मगर ज्यादा तो हंसी आ रही थी। दिल जा, दिल खोद 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 के हंस। तो हंसना था, मुझे तो खुद अभी एहसास हो गया है मुझ पर हर एक को हंसना चाहिए। आपके वास्ते बाबू ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ऐसा करो बालो बालो कहा चली जाती हो क्या? ऐसा क्यों? मैं कुछ समझा या नहीं समझा उसे छोड़। अरे भाई तुम्हें मुझसे जो जानना जो पूछना है पूछो, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दोगे। वो तो तुम दोगे और बड़ी कामयाबी से दोगे ये भी मैं जानती, मगर आज मैं किसी एक बात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो जिंदगी के पूरे रवैये पूरे बर्ताव की बात कर रही हूँ। क्या है मेरा रवैया भाई? मेरा बर्ताव खराब है सर। आज अपने वकीलों और मुकदमों से बच बचाकर मेरे हिस्से में कितने आते होते हैं, कितने आते हैं मेरे हिस्से में सोचा है कभी? बस ये कि रात पड़े थक थका के घर आए, एक छत के नीचे सो गए और सुबह उठे मुझे शाम का इंतजार होकर चले। बालो बालो किसी से भी पूछो वो कहेगा कि तुम्हारी ये बात ठीक नहीं। अरे भाई काम तो काम होता है, इसको तो हर किसी को करना ही। कमाल है। अरे इस बात से ये भी तो पूछो कि जिस औरत को जीवन साथी मानकर बीवी बनाया जाता है उसे अपने सुख दुख में शरीर भी किया जाता है, अपनी परेशानियों में अपनी खुशियों में साझेदार बनाया जाता है। अरे तुमने तो मुझे इस काबिल भी न समझा कि कभी अपना समझकर मुझ पर गुस्सा भी करो। तुम बताओ क्या मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर के सफर हूँ जीवन साथी हूँ? बालो, बालो, तुम्हारी ये सब बातें ठीक भी हो सकती है लेकिन ये सब बातें उस आदमी से कर रही हो जिसका दिल साफ है, जिसकी नीयत साफ है और जो हमेशा हमेशा तुम्हारे सामने एक खुली किताब है। शायद तुम ठीक कहते हो, मगर मेरी मजबूरी ये है कि ये किताब जिस जुबान में लिखी है वो जबान मुझे नहीं आती। चलो फिर मुझे तो यही खुशी है कि मैंने ना सही तुमने तो अपने दिल की बात खुलकर कर ली। अरे यार एक बात तो हमारे
हमारी शादी को एक जमाना हो सकता है, फिर आज अचानक तुम इन सब बातों का ख्याल आया नहीं थे। बस यूं ही? नहीं नहीं, तुम्हें पता ना, मेरी सोचा एक मुद्दत से जिस इंसान के साथ वक्त गुजार रही हूं, सच पूछो तो आज तक अजनबी जैसा है नहीं। न जाने किस मोड़ पे अपना रास्ता बदल ले। देखो बानो, अल्लाह मियां ने हमें औलाद दे दी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से राजनीति शिकायत की ना टुकड़ा हो हर जगह रास्ता पर तुम भी तो क्यों अरे भाई किसके लिए तुमसे अच्छा तुमसे खूबसूरत कोई है भी? अरे जाने दो, आगे अपने सिर में छुपे हुए चांदी के ये तार मैं दुनिया से तो छुपा सकती, तुमसे तो नहीं। बानो डार्लिंग, ये तुम्हारा शौक, इस शहर का माना हुआ वकील, दिल की सच्ची सीधी बात पे जब तक ना होगी ना, मैं सवाल करता ही। तो फिर शहर के माने हुए वकील को ये भी ना मालूम होना चाहिए कि मेरे दिल की सीधी सच्ची बात है क्या? अरे भाई, वकालत के पेशे में औरत मर्द सभी से वास्ता पड़ता है। मेरे मुवक्किलों में मर्द भी होते हैं और अब जैसे आज बेगम तफीस का मुकदमा। हाँ, जिनके साथ आपने लंच खाया। हाँ, और इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है? कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें तो जाने कब से चल रही हैं और शायद चलती भी रहेंगी, मगर आज देखो मुझे आज एक बात का एहसास जरूर हो गया है कि मैं अब ज्यादा देर इस तमाशे की खामोश तमाशा ही नहीं बन सकती। बानो, बानो, खास खास टेंशन इंसान बहुत जल्द बूढ़ा कर देता है। अरे कहां आप भी बेहतर पैर की बातों में हो रहे हैं। आई आई चले आराम करें। बकौल मिर्जा चाचा के, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पहले मैं बीबी से कह के आती हूँ।
आज अकेले अकेले चले आ। अकेले? हाँ। आज ईश्वर की दिया। आओ, आओ ईश्वर की दिया। दादा कहाँ है? ठीक से तो दिया था, अब आने तो क्या फर्क है बेटा? सलाम के भी तौर तरीके हो, चकमा रमावाद बस ये तौर तरीके किया। अरे देखो देखो, अम्मा बाबा का नाम ना लेना, और तौर तरीके तुम्हें बड़े अच्छे सीख कर आई थी। अरे तुम्हारे साथ रह के तकदीर फूटी 16 और तरीके बिगड़े 16। अभी शुक्र मनाओ बेगम साहब, हमारी सोबत में रह के साथ हर के थोड़ा आदमी तो बने। अरे तो आज जो मैं आदमी बनूं, मैं औरत ही भली। हाँ मुझे बिटिया फिर खिला चुकी है बातों में। आप बुलाने का मौका दिए तो बुलाएंगे। अरे चलो बुलाते लाते हैं बेटी, अब देखो तो आया है। देखो चुप रहो आदा सुल्तान। अरे क्या है भाई, ये उधर मुंह करके क्यों बैठे हैं? हमारी तरफ मुंह करके बैठी है, क्या गिरे गिरे बैठे हैं? अरे बालो, इन बिचारों को कलर ज्यादा लग गया। कलर और ये भी सुन लो कि आइंदा से मुझे कोई जो मुंह में लगाम के जानवर होते ना, ये मिसाल ना देना। अरे मैं तो उस बात की बेटी कि जिसमें शेर जैसी ताकत, चीते जैसी फुर्ती और हाथी जैसी समझदारी। हाँ तो फिर हमारे खुसरे को देखने का टिकट कितने का लगा क्या? बालों भी मेरा क्या कुछ है बोला, इन्हों अपने बाबा में तीन जानवरों के खतरे था मैं। तो कैसा तड़प रही थी? अरे हाँ तड़प रही थी।
मालूम नहीं सही नहीं, मैं बहुत चाहती हूँ। देखो कैसा चाहती। अब आप सुनो, महज इनके पास जल्दी पहुंचने के वास्ते अपनी जान पे खेल के मोटरसाइकिल पे चले आ रहे। दो मोटर बीच में से कट मार के निकला, मरते मरते बचा। ना शुक्र है प्यार करते हैं। अरे पल्लवी, ये तो तुम्हारे बैंक है। अरे क्या बैंक इतना आसानी से डूब जाता है? करते हैं, मगर जब इनका मतलब होता है ना तब। देखा यार, कितना भी करो इनके साथ बीवी, फौड़े का नाम भी सब मेरे मेरी हर चीज पूरी इनकी नजर में। सही हो, फौड़े का नाम भूल सका। अरे बुरी होगी तो बुरी कही जाएगी। अब बानो तो मेरी बात सुनो। देख सुनो, परसों क्या सुनो सुनो किशोर, ये गड़े वाला मुर्दे नखरोस का होता है। नहीं दीजिए ना सुल्तान भाई। अरे गड़े मुर्दे कैसे? ये क्या तुमने हैदराबाद का परसों समझ लिया? क्या हो? अरे आज है मंगल। हमें बात करनी इतवार की। इतवार की बात? बोले तो फ्लैश है। अच्छी बात, चलो सुनाइए आप। मैं क्या डरती हूँ, चलो सुना। फ्लैश है स्टार्ट। शिमला को जा रहा था, जाते जाते उन्हें लखनऊ में अपने यार को गले मिला के शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। और क्या, लखनऊ से जाते जाते शिमला जाते जाते लखनऊ, पता नहीं क्या कह रहा हूँ, गले लगाने का प्रोग्राम बनाया। अरे ये गले लगाने का प्रोग्राम हिंदुओं ने होली दिवाली का बनाया है, और मुसलमानों ने ये प्रोग्राम बनाया है गले लगाने वाला ईद बकरीद। अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हारे दोस्त में का कोई दीन धर्म है कि नहीं? तुम्हें नहीं पता मुझे अपनी दोस्त मीरा के साथ जाना? अरे तो हाँ जाओ ना, कौन मना करा? इतना देना बेफिक्री से जाओ, बेफिक्री से जाओ। और ये नौकरों की फौज और ये घर का राशन सब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दूँ? देखो थोड़े पैसे जो मैं बाहर जाके जो है अभी। कैसे कैसे? अरे भाई कैसे कैसे, इतवार जाने को इतवार के रोज आज इतवार है ना, दफ्तर जाने का जेब खर्च नहीं मिलता। कितनी दफा बोलूंगी ये बात? फ्लैश ये है देखा, और आप जाते जाते फरमा रहे अजी वो बच्चों के चड्डिया निकला बदला जो ये मरद का काम है ना, चड्डिया निकला बदला। आप कि क्या इनकी किसी दोस्त की मैंने कभी हाजिर मदारत नहीं की? क्या सुल्तान भाई? हो हाजिर मदारत हो ये दो तारा था बानवी जी, अब उसको खुश किस्मत बोलो बस किस्मत बोलो। अरे बस किस्मत मैं नहीं चाह सका उसको विचार। तो सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम दाल पर आठ दिन चलेगा, दाल को रखे पापी चल। आठवें दिन मैं जाके पूछा, भाई क्या खैरियत है? तो अरे आज क्या कर रहे थे बाबू? महीने
तो बेचारा बोल रहा महीने की तारीख तो याद नहीं है, अलबत्ता आज दाल की आठवीं तारीख है। ये खटमल कीड़ा नहीं होता, खटमल कीड़ा नहीं होता क्या बोलो? अरे बानो, अरे बना में खटमल होना ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अरे इनके दोस्त नाम अदरे को अगर ये पता होता कि ये पलंग उसे कितनी अपनाई से दी गया है तो मुझे बड़े चैन की नींद सोता। जो अपनाई के पलंग में खटमल भर को दिए गए वाह, और वहां के जहर का पलंग झूला। मैं खुदा की कसम खाकर बोल रहा हूँ मानो बीबी, मेरा दोस्त मेरा प्यारा मेहमान अपने अम्मा बाबा की दुआओं की वजह से बचा झूले तो में से तुम्हारा जिगरी दोस्त, तुम्हारा जान से प्यारा दोस्त गिर जाता, हड्डी पसली टूट जाती, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। सुबह उठे बोला सुल्तान भाई आके वो पलंग में एक करवट लेने के वास्ते तीन वक्त जमीन पर उतर जाता। क्या ये तो और भी अच्छा हुआ। अरे जिसको ये गुलाटियां कह रहे हैं ना, ये उसके हक में अच्छा हुआ। अरे उसकी वर्जिश हो गई वर्जिश, खाना कम वक्त मारा ढेरों ढेर। अरे खुदा की कसम आप भर तो है, अरे कभी नहीं तो हम यहाँ आए हैं। खुदा की कसम इस बार आप हमेशा ऐसी हंसते रहे तो मेरी 200 बरस उम्र हो जाएगी। चमक बिजली की फिक्की दिखना उसके मुस्कुराने को,
हजारों बिरवा मोतिया मार देना उसके होठों को, चली छटपट तो मोरा नाज भूल को देख रहा उसको, समझ को साथ लोगा आंख मल को देखना उसकी, उन्हें नहीं रहे चमन में तो चमन उजड़ा चमन दिखना, बगीचे के जो फूला है बगीचे का कफन दिखना, ये सब सोचे तो क्या फायदा, जो सोचे वो तो नहीं होता, रहेंगी जब तलक तकदीर खोटी कुछ भी नहीं होता, ये शर्पण भी मुशाता हम भूले जाको खपा जाए, ये शर्पण भी मुशाता हम भूले जाको खपा जाली, बताई एक दूसरी को मेरे गले में बन गया। क्या समझे आम आदमी,
अपने ही घर में अगर घुटन होने लगेगी तो भाग्य कहां जाओगे? किसी कोठे पे किसी शराब का ले ये हिम्मत तुम्हारी अपनी नहीं है बेटे, ये हिम्मत तुम्हें गंदे समाज ने, गंदे जमाने ने दी है। जो तुम अपने बड़े बूढ़ों के सामने कोठे और शराब खाने के बैठे तो भूले रहे हो। मैं तुम्हारा और कुछ तो बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन यहां से जा सकता हूं। मिर्जा चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मिर्जा चाचा, आप यहां से हरगिज़ नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए मिर्जा चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। बात क्या है? उजड़े उजड़े थे बैठ के बैठे थे, क्या बात है मुझे बताओ। बैठो ऊपर बैठो मिर्जा चाचा। आपको आपको याद है उस दिन भी बानो कैसी कैसी बातें कर रही थी? आपने आपने तो ये भी कहा था कि बातों में वो पुरानी जैसी मिठास है। हाँ बैठे, समझ तो मैं भी कुछ गया था, लेकिन मुझे शक भी कुछ हुआ, लेकिन मैंने कुरेद ना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कुछ बात होगी तो नहीं दब जाएगी, कोई बात होती तो दब भी सकती थी। अब खाम खा के शक का इलाज तो नहीं है ना किसी के बात में दर्ज आता। देखो आज यह तक तुम मुझे बताओ मैं ठीक है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सामान्य है बानो जैसी लायक और होशियार बीवी तुम्हें चराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ ये मैं बता रहा हूं तुमसे मिर्जा चाचा, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। सिर्फ बानो अच्छी नहीं हो सकती। मैंने भी उनकी अच्छाई की कीमत अपनी बेदाग मोहब्बत से ली है। इत्मीनान के बैठ के बताओ ये आखिर कोई नई बात शुरू हुई है? बताओ चाचा, मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि बेगम नफीस का मुकदमा है मेरे पास और बेगम नफीस उनके दिमाग में जम कर रहे कि मुकदमा है कहीं तो जायदाद का वो बेरा हो गई। तो यह किस्सा है। एक बात बताओ बेटे, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि तुम यह मुकदमा किसी और के हवाले कर दो तो तुम्हारे लिए यह क्या मुनासिब नहीं होगा? मिर्जा चाचा, बेगम नफीस का किस्सा आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। मैं खुद उसे खत्म करके दिखाऊंगा। लेकिन इस किस्से ने मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल लगा बैठा। वो सवाल ये है मिर्जा चाचा कि मेरी जिंदगी भर की चाहत का कोई मोल है या नहीं? जब जिसका दिल चाहे किसी नफीस किसी सलमान हाजरा का नाम देकर मेरी जिंदगी भर की सच्चाई के मुंह पर कालक बन दे, चोर बनाकर बुजुर्गों के पटाखे में बड़ा कर दे, और एक सवाल और है मिर्जा चाचा, वो ये कि अब तक का इनाम जो मुझे मिला जो मिला अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटे तुम जिंदगी के गहरे तालाब में उतर कर अनाड़ियों की तरह से हाथ पैर मार रहे हो, इस तरह से किनारा नहीं मिला करता।
ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मिर्जा चाचा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं। क्या कुछ ठीक नहीं हो रहा है? ठीक नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा? सब बात की जड़ मेरे समझ में आ गई है। बात सिर्फ यहां पर आन के अटक गई है कि तुम दोनों की मर्जी नहीं मिल रही। बस इतनी सी बात का होता है, ठीक नहीं होगा। बैगन की कुछ आवाज आ रही थी। बालू देख रही हो? बस अपनी
ख्याल की बातें, बुढ़े चोटले मुझे अच्छे नहीं लगते। नॉनसेंस, अरे ये बात अगर मिलता चाहते हैं तो ठीक है। अरे एक बैंड में दो तलवारें।
एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हो। भाई मुझे कुछ नहीं होता। मुझे क्या होता? मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अपनी बला से कुछ ही करते थे। जोशी भाई पान खाओगे? हाँ तो क्या बता रहे? भाभी दरअसल सुल्तान के दिल में दुनिया की हमदर्दी हो, और इसी में लोग कभी कभी उसे गलत भी समझ जाते हैं। अरे जोशी भाई कोई नई बात करो, ये तो सदियों से होता है, जमाने का दस्तूर ही है। हाँ तो क्या कह रहे? कोई खास बात नहीं भाभी, आप अनसरी इंपॉर्टेंट दे रहे। वो आपने गोमती के किनारे किनारे जो यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता है, यूनिवर्सिटी जाने का वो देखा है ना? हाँ हाँ। एक आदिल एक काम हो गया यार, क्या सुन रहा है? बड़ी उम्दा बात बता रहे ज्यादा वो जो आता है ना गोभी किनारे किनारे, वहां से एक लड़की बेचारी रोज पैदल पढ़ने आ जाती थी। सुल्तान से देखा नहीं गया? अब वो जो बढ़ जा रही थी ना, वो अपनी मोटरसाइकिल पर उसे काफी छोड़ देना मुझे।
क्या आदि में खैरिया आपको बताएंगे क्या क्या हो गया उठ नहीं सेटिस्फाइड। अच्छा सुल्तान यार बता यार ये कैसा लग रहा क्या कैसा लग रहा जोशी मैं भी आदमी का बेटा हूं बाजार का जरा खुलती हवा हमला पता खुदा की कसम आजादी फील कर रहा हूं ऐसा अच्छा दिख रहा बाबू अरे मैं कह रहा था यार जब दिल से दिल मिला तो जो मियां का प्यार वही वीर का प्यार अरे भाभी होती वो भी यही कहती है ना बाजार वक्त दिल को बहुत धड़का रहता है ऐसा है आदिल मियां बार बार वक्त खाली बंदूक भी तैयार होकर चल जाती है चाचा मेरा चाचा बोलो आप अपना वो प्यार दबा स्वीट क्वेश्चन जरा इसे भी दोहराइए ना नहीं नहीं भाई नहीं 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 चाचा देखिए प्लीज दोनों तरफ भी सुनना चाहिए आपको अरे क्या जुड़ा जुड़ा ना भाई अरे ये भाइयों ने ना तो जा होता कि अरे क्या है तुझको चाचा पूछिए क्या चाचा अच्छा एक सवाल मैं लोगों से पूछा करता हूं अक्सर उसी की बात कर रहे हैं क्या है वो ये कि तुम बताओ कि बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल सुल्तान ये जनरल क्वेश्चन है यार खास किसी प्रॉब्लम से नहीं अरे जनरल क्वेश्चन है जो क्या खास है अपना तो एक ही जवाब क्या मिला जाएगा बीवी एक ऐसी हिमाचत हो हिमाकत है जिसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता क्या है हर दुख मुसीबत में बीवी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है आप लोग वाकई बड़े नाश होते हैं बीवी दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के हम चलती हमें हो गया मगर मानो दीदी ये अपने घर में शक्कर फीकी आ रही है क्या बात है आजकल देख रहा हूं मैं ये आपको फिक्रों के समंदर में पता लगा रही हाँ तो क्या बोले और मुसीबत में खंडे से खंडा लगा के चल चल बारह में भी जी तो बानो बीबी मैं बोल रहा हूं दुख और मुसीबत में खादे से खादा लगा के बराबर चल मगर ये दुख और मुसीबत बीवी से लेके आती भाई अरे पिता की कसम हीरे को हवाला लगाने में क्या
बीवी आज भी हाँ। कभी अदालत से भी बाहर निकल जाओ ना बाबा, अब क्या घर में भी मुकदमे चलाते हैं क्या? तो भी है आज ये फायदे की बात हो रही और ऐसा मौका फिर कभी नहीं आया। कर लो कायदे की बात है, पता चलेगा बच्चू। पता चलेगा हाँ। क्या पता चलेगा जी? क्या पता चलेगा? क्या मैं डर दो जी? जोशी ये तेरी नजरों का धोखा। अगर मैं अपनी बीवी के सामने कुआ बना हुआ रहता हूँ तो विश्वास है कि मेरी बीवी कुएं से डरती। ये
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, यार जोशी, सारे मर्द अपनी अपनी बीवियों को अपने अफेयर के फिक्र सुनाते हैं, मेरे पास सुनाने को कुछ नहीं। आई से मैं बोला, अरे एक छोटा मोटा किस्सा कर ले, सुहाग मौका आया, मैंने वो किस्सा सुना दिया। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। गड़ा वाला किस्सा मुझे सुना दी, हां, ताकि ये भी तीस मार्का बन जाए भाभी। अगर बेटा तुम बेटा पर तो बोलो, मोटा बोलो। मैं क्या बोलूं मिर्जा चाचा, मेरे को शरारत की खुदा की। अरे मैं कहती हूँ कि मेरे सामने ये घड़ा और झूठा किस्सा सुनाने की क्या जरूरत है? अरे कभी मैंने झूठ बोला तुमसे? नहीं, सुन लो भाई, आप लोगों के सामने बोले मेरी बीवी आज तक शिवाय अपनी उम्र और वजन के किसी बात में चली गया। अरे लेकिन सच में वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, बड़ा मजा। क्यों जा रही हूँ? नहीं बस अब चलते हैं मानो, फिर आए चलो। ये सब लोग आते हैं, कपड़ों में घर की सारी चीजों जी तो यही कहता है, मगर ये सोचती हूँ
तुम्हें आकर इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कदम कदम पर मोर्चा लेना पड़ता है। और जिंदगी में इस मोर्चे में मैं किसी तरह भी तुम्हारे साथ नहीं बढ़ता। फिर आखिर मैं क्यों, क्या फायदा है मेरा सिर्फ ये कि तुमसे तोहफे वसूल करूं, नए पुराने कपड़ों से सज संवर कर अपना दिल बहलाऊं और गहने कपड़ों से लगकर तुमको आगे जाकर खामोशी से देखती हूं। तो फिर और जो दिल में आए वो मौजूद है, आपको कहीं जाना हो तो हम छोड़
भाई देखिए चलूंगा तो लेकिन ये छोड़ने वाली बात है। इतना भी शराब होंगे जितना आपने शराब मैं मिस्टर मुस्तफा बेग और अदा करता हूं कि वो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए और हमें अपने साथ काम करने का दरखास्त करता हूं इस ड्रामे के मुसन्निफ ड्रामे के राइटर मेरे बहुत अजीज दोस्त के वो तशरीफ लाएं और हमें शुक्रिया का मौका दें।
मिस्टर सिराज ने ये रोल सिर्फ एक रात में तैयार किया। Thank you and have a nice weekend.